बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज सुबह सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आपको नाश्ते की रेसिपी दूंगी, चनों का और पूड़ियों का नाश्ता है। ये चने आधा किलो लेके मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, सुबह मैंने उबाल लिए हैं। इनमें से एक कप चने मैंने निकाले हैं, आधा किलो चने थे, एक कप निकाले हैं। मैं आगे बताती हूँ उसका मैंने क्या किया है। ये प्याज है, मैंने दो बड़े साइज के प्याज लेके काट लिए हैं। ये मेरे एक आधा पाव टमाटर थे जिन्हें मैंने उबाल के छिलका उतार के पीस के रख लिया ग्राइंड करके। ये जो एक कप मैंने चने निकाले हैं उन्हें मैंने पीस के रखा है। मैं बताऊंगी किस जगह पे इन्हें इस्तेमाल करना है। ये ऑयल है, ऑयल अपना हसब ज़रूरत आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये दो चम्मच अदरक का पेस्ट बना हुआ है, दो चम्मच ही लहसुन का, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरी दही है जी, एक कटोरी दही की है, ये भी तकरीबन पाव से थोड़ी सी कम है। और ये मिर्चें जो हैं, एक मिर्चें मैंने आज चम्मच से ज़्यादा ली हैं क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी ही होने चाहिए। ये मैंने धनिया ले के काट के फ्रिज में मैं रख देती हूँ, कभी नहीं मिलता मार्केट से तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये फ्रीज़र में पड़ा था। ये हल्दी का पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा। ये खुशक धनिया है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ चम्मच से। ये नमक है वो हसबे ज़रूरत और हसबे ज़ायका है। और उसके बाद ये कसूरी मेथी है, ये भी एक चम्मच है। अब आगे मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनने हैं। ये मैंने देचकी ऊपर रख दिया है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी और देख लूंगी, अगर ये ऑयल मुझे कम लगा तो मैं और डालूंगी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये ही काफ़ी है, लेकिन ये बता दूं कि देसी चने हैं, ये देसी तरीके से मैं बना रही हूँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जाएगी जो रेडीमेड है। और इतने लजीज बने कि क्या बात है। आप बनाएंगे घर में तो फिर बताना कि कैसे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तकरीबन सबको ही पसंद है ये चने, ये ग्रेवी वाले चने बनते हैं। ये पूड़ियों के साथ भी खाए जाते हैं, नान के साथ भी खाए जाते हैं, आपकी चॉइस है जिससे मर्जी खाएं। ये देखें जी, यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इतने ब्राउन करने हैं इन चनों के प्याज। और अगर किसी ने ये वीडियो जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये रेसिपी किसी ने कम बनानी है तो ये इन चीज़ों सारी चीज़ों की मकदार आधी आधी ले लें। एक पाव की बनानी है तो एक किलो की बनानी है तो डबल ले लें। जिस रेसिपी में मैं जितनी बता रही हूँ रेशो, वो अगर आपको ज़्यादा लगती है तो कम कर सकते हैं, कम लगती है तो ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका होता है बनाने का तरीका, क्योंकि मुझे जितनी चाहिए मैं इतनी ही घर के लिए बनाती हूँ। तो आप इसे आगे से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें मसाले सारे शामिल करूँगी। ये देखें, मिर्चें डाल रही हूँ, हल्दी डाली है मैंने, हल्दी के बाद मैंने ये डाल दिया खुशक धनिया, खुशक धनिया के बाद नमक डाल दिया। नमक मैं दोबारा चेक करके डाल लूँगी, उसके बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालने से ये होगा कि कोई चीज़ भी जलेगी नहीं जी। ये देखें, ये मसाला अब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। ये देख लें जी, मसाला अब तैयार हो गया है। इसमें मैं आप डालूँगी चने। बिस्मिल्लाह, चने डाल के मैं अच्छी सी इसकी बुनाई करूँगी। चनों की चने मैंने उबाल के रखे हुए हैं, तैयार हैं मेरे चने, या पकने में देर नहीं लगेगी, कच्चे चने नहीं हैं। ये देखें जी, मैं इन्हें भून रही हूँ। अब मैं इन्हें भूनती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ी थोड़ी दही शामिल करती जाऊँगी। ये मेरी जो पाव से थोड़ी सी कम दही है, थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी पाव से, थोड़ी थोड़ी करके मैं शामिल करूँगी, एकदम से नहीं डालूँगी। ये देखें, मेरे चने गले हुए हैं बिल्कुल, ये देखें।
ये मुझे ना थोड़ा सा भुनने में इसमें दिक्कत हो रही है, ये बेचकी है तो तंग लग रही है मुझे। अब मैं ना अपनी कढ़ाई में डालूंगी चनों को। ये देखें इसमें मैंने डाल ली है, क्योंकि उसमें ना मुझे भूनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं कढ़ाई में बनाने की आदी हूँ। अब मैं यहाँ पे जो दही रहता है वो भी शामिल कर दूंगी, और अंदर से हाथ साफ होते हैं, वॉश किए होते हैं बनाने में। जब सालन या रोटी कुछ भी बनाते हैं तो कोई भी चीज़ के साथ लगा हो वो जो भी अमेजा वो उतार लिया करें, ज़ाया ना किया करें। ये देखें ये भुनने पे आ गए हैं। अब इनका ऑयल ऊपर आने लग गया है तो मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल दूंगी। मैं सिर्फ गरम मसाला डलता है और कोई मसाले वाली चीज नहीं डलती। अब ये कसूरी मेथी डाल दूंगी। ये देख लें इसमें बिल्कुल ऑयल आपको नजर आ रहा है कि ऑयल ये सामने ऊपर आ रहा है। ये ग्रेवी वाले होते हैं, इसमें ग्रेवी बनाऊंगी मैं। प्याज भी मैंने डाले हैं, टमाटर, उसके बाद दही डाली है। उनसे तो ग्रेवी नहीं बनेगी, ग्रेवी बनेगी जो मैंने चने पीस के डालने हैं। ठीक, पीस के मैंने ये रखे हुए हैं चने, ये अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ठहर के अभी भूनूंगी इन्हें थोड़ा सा। ये देखें जी यहाँ पे अब ऑयल बिल्कुल इसका निखर गया है, ये देखें सारा ऑयल नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं ये डालूंगी ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें पानी डाल के मैं डाल लेती हूँ, मैं एक दफ़ा चमचा चला लूँ। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी, ये जब चने भुन जाएंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्रेवी इसकी बनेगी। ये देखें अब ऑयल नहीं नज़र आएगा। आप लोग कहेंगे कि ऑयल तो सारा ख़त्म हो गया, लेकिन ऑयल ऊपर आएगा जब हमारे इसमें पानी थोड़ा सा डलेगा, ग्रेवी बनेगी तो फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर चाहे तो सालन की प्लेट में डाल के खा लें, चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें माशाल्लाह खुशबू इतनी उठ रही है इससे कि जैसे गोश्त बन रहा है। ये मुसलसल पास खड़े होकर बनाने वाले हैं, चमचा चलाते रहना चाहिए क्योंकि नीचे लगने लग जाता है फिर सालन, जब बुनाई होती है उस वक्त नीचे लगता है। ये देखें जी चने भुन गए हैं। अब ये ऐसे उबलता हुआ पानी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, क्योंकि मैं कच्चा पानी नहीं डालती। ऐसे डालेंगे जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं उतना डाल लूँगी पानी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है बस। ये ऐसे ही चिकड़ छोले जैसे लाहौरी खाते हैं ऐसे बनेंगे। ये देखें अब इसकी बिल्कुल नीचे मैं जो है चूल्हा स्लो कर दूंगी। पानी भी मेरा पका हुआ है, चने भी पके पड़े हैं, चूल्हा स्लो करना है मैंने। इतना इसका चूल्हा रखना है। ये देखें जी ये तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें इतनी सारी ग्रेवी इनमें रखनी है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और ये तैयार हो गए हैं।
15 से 20 मिनट लगे हैं, हल्की आंच पे मैंने रख दिए थे। ये देख लें कढ़ाई के साथ आपको नज़र आ रहा है, ऑयल इसका सारा ऊपर आ चुका है और ग्रेवी तकरीबन इतनी है। ये कम से कम भी 10 से 15 लोग ज़रूर खा लेंगे, या आधा किलो चने जो हैं 10 से 15 लोगों के लिए काफ़ी हैं। अब इसके साथ मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। मैं पूड़ियाँ बनाते हुए थोड़ी सी दिखा दूंगी, मैंने आटा गूंदा है दूध से और मैं आप लोगों को बाद में पूड़ियों की रेसिपी दूंगी। अब इस वक्त मैं मेरी ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरी तो नहीं दिखाऊंगी, तो एक आपको तल के दिखा दूंगी। बस ये यहाँ पे इसके मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, ये तैयार हैं, अब ये हम खाएंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश रखे, अपने बच्चों को बना के खिलाएं और फिर मुझे रिजल्ट इसका बताएं कि रिजल्ट क्या है।